चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा चेंजिंग फ्यूचर न्यूज से। मैं इस वक्त के टिकरी खुट के गांव में हूं और टिकरी खुट के गांव के जो समस्या हैं, बहुत सारी समस्या आप खुद देख लो। पर ये देखिए, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, काम ऐसा चल रहा है यहाँ पे, पिछले 2 महीने से ये काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं ये उनसे हम बात कर सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? सूरजवान। हाँ जी सूरजवान जी, क्या क्या समस्या सर यहाँ पे बताएं। भाई समस्या सारी है, समय एक समस्या हो तो बताऊँ। टोटल समस्या, पेशाब घर यहाँ नहीं, कूड़ादान यहाँ नहीं, कूड़ा निकालने की जगह नहीं, पानी नहीं यहाँ, निकासी नहीं, बताओ और क्या, सफाई है ही नहीं। सारी भरी पड़ी। सफाई कब से नहीं हो रही सर? इस वक्त तो जो आम आदमी की सरकार चल रही है MCD में, तो कह रहे हैं हम अपना सही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा सर। अरे MCD का कुछ है ना, तो सरकार कोई हो काम ना रहे एक भी। अच्छा, हाँ। और जैसे सर वो कह रहे हैं कि आपके जो MLA हैं यहाँ पे, हाँ। सर चौहान जी, हाँ। यहाँ पे 3-4 किलोमीटर की दूरी पे उनका वो है, हाँ। ऑफिस है, हाँ। तो फिर भी यहाँ पे कभी आते नहीं है क्या? नहीं आते। आप लोगों ने कितनी कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट रोज जाहिर है, हम कोई कंप्लेंट सुनवाई हुई है सर? नाम क्या सर आपका? नाम क्या आपका? अजीत सिंह। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो सर आप? हाँ जी। अजीत जी, क्या परेशानी सर आपको बताइए। सर ये देख लो, परेशानी आपके सामने है, नाली यहाँ भरी पड़ी है, कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, गांव से निकलने का रास्ता नहीं है, और MLA साहब को बाई फेस भी रिटर्न में भी हम लिख के दे के आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। अच्छा। मुख्यमंत्री को भी हमने कई बार रिटर्न में दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आपने कंप्लेंट का कितनी बार दे चुके, कंप्लेंट कितनी बार दी है सर ये बताइए आप। 1 साल के अंदर कितनी कंप्लेंट दे चुके आप ये बताओ। एक साल के अंदर 7-8 बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं। अच्छा, लिखित में। आप सर क्या करते हैं वैसे? मैं फार्मर हूँ। अच्छा, फार्मर हूँ सर आप। ओके। टिकरी खुर्ते गांव में बहुत सारी समस्या है, एक बार हम समस्या देखेंगे फिर इनसे बात करेंगे। एक जो हमारे यहाँ पे काम का सबसे बड़ा काम है, यहाँ पे जो कम गली में भाई वो उड़े उठते नहीं है, जो वर्कर आते नहीं काम पे, फाइल दिखाऊंगा की सप्लाई भी ठीक से नहीं है। गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे। ये है दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस, जिसकी बुरी हालत हो चुकी है, आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे MCD कर रही है, हम फिर भी काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रही है। ये MCD दिक्कत है, खुद ही देख सकते हो सर आप यहाँ पे हाल क्या हो रहा है। सफाई तो ये करेंगे भाई, ये तो कर रही है, आज हमें तरह सारी दिखा दूंगा। हमारे गाँव की सफाई कितनी बढ़िया है वो दिखाऊंगा। ऐसी गंदी सरकार बन गई है अभी, जब से ये आया आप बता दो कौन सा वीरा। ये देखियो, नाला ही नहीं निकलेगा, नाला ही बंद पड़ा है, सब बंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई करने नहीं आता है। अरे चल नहीं रहा तक। ये है MCD का प्राइमरी स्कूल, जैसे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं स्कूल के सामने, और यहाँ पे देखो नाली भी ओपन है, बिल्कुल कबाड़ा पड़ा है, अगर कोई बच्चा अगर इसके और साथ में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी है सर, अगर कोई बच्चा इसमें गिर गया नर्सरी वाला छोटा बच्चा, अगर से इसके अंदर कोई बच्चा वगैरह गिर जाता है तो भी यहाँ पे बहुत निकल भी नहीं पाएगा भाई वो। सर ये कब से हो रहा है ये बताओगे आप, कब से मतलब चल रहा है ये? पहले शुरू से ही चल रहा है, आपने देखिए नाला जब से बना है ना तो इसकी छपाई हुई जी। मैंने उनको ये कहा था स्कूल के आसपास में इसको छाप दो, बच्चा कोई लड़ते हैं आपस में, बच्चे धक्का मुक्की, छोटे छोटे सर छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है यहाँ पे, नर्सरी के बच्चे आते, नर्सरी के बच्चे भी आते हैं, दिक्कत हो जाती है, क्या पता खेलते खेलते अगर नाली वगैरह में गिर जाए, लेकिन कोई सुनता नहीं। निगम पार्षद के पास भी नहीं हो रही सर यहाँ पे भी, निगम पार्षद को भी दिखाया हूँ, निगम पार्षद बुलाया भी तू, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। अंदर स्कूल का बुरा हाल, अंदर से भी बुरा हाल है। चलो वो पहले खड़ा देख लेना, गलियों के ये हाल है।
एमसीडी वाले कहते हैं हम सफाई करते हैं, सफाई का देखो। ये देखो ना एमसीडी सफाई हो रही है, एमसीडी वाले कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, खुद डेली सफाई करते हैं सर यहाँ पे हम बिल्कुल। और कितनी बुरी हालत हो गई है, कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग गिर जाए, ये नाला नाला तक नहीं बना हुआ है। आप सफाई की बात जब करोगे, जब नाला बनेगा यहाँ, देखियो नाली टूटी पड़ी है ना सारी। अब कोई लेडीज है वजन लेके भी आती है, बच्चे भी आते हैं, जेंट्स भी, ये गिर गया तो जिम्मेवार कौन होगा उसका, है कोई जिम्मेवारी? सर वो तो हालत दिखी रही है यहाँ पे, दिखाई रही है ना। एमसीडी वाले अगर हम बहुत अच्छा काम, ये आपके सामने है एमसीडी क्या कर रही है, ये देखो ये एमसीडी इतना काम करी है, झोपड़े बनवा दिए, सफाई है नहीं कहीं भी, देख लो झोपड़े। और आ जाओ दिखाऊंगा मैं आपने सारा। यहाँ के लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट दी है एमसीडी के दफ्तरों में जाके, एमसीडी दफ्तर से कोई भी इनके पास नहीं आया कि भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमने ऐसा कई बार देखा है, कई बार इस गांव में आए हुए हैं, हमें हमेशा ही यहाँ की चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते। कई बार इन्होंने एमसीडी के कमिश्नर साहब से कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट के अकॉर्डिंग इनसे बात भी करी है, पर इन चीजों का इनको किसी चीज का जवाब नहीं दिया गया है। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।